यहाँ पर है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या करते थे देखें, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है तमाम फरिश्तों के सरदार है और ये अल्लाह ताला का पैगाम सब पैगंबरों तक पहुंचाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है का काम है, ये देखें यहाँ पर फर्स्ट को आपने मैच करना है लास्ट वाले के साथ। ये देखें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है नबियों और रसूलों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना, सही। फिर है हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है कि बारिश बरसाना और लोगों की रोज़ी का इंतज़ाम करना, ठीक है। हाँ जी, ये देखें हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आप मैच करेंगे थर्ड वाले के साथ, ठीक है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम सेकंड को आप मैच करेंगे थर्ड के साथ। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है बारिश बरसाना और लोगों का रोज़ी का इंतज़ाम करना, ठीक है। सही। फिर है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। इज़राइल अलैहिस्सलाम का तो पता है ना कि उनका क्या काम है, उनका काम है जानदारों की रूह कब्ज़ करना, ठीक है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मैच करेंगे हम फर्स्ट वाले के साथ, ठीक है, ये इस तरह मैच करें। फिर है हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का काम है क़यामत के दिन सूर फूंकना, ठीक है। ये लास्ट वाले को आप मैच करेंगे सेकंड वाले के साथ और यहाँ पर डेट मेंशन करें बाकायदा ऊपर, ठीक है। सबसे पहले डेट आज है 16/7/2020 और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है जुमेरात, ठीक है। ये आपका काम डन हो गया है और अब हम आते हैं कॉपी की तरफ, ठीक है। सो टेक आउट योर कॉपीज़। अब कॉपीज़ निकालें आप लोग क्लास फोर्थ, शाबाश, सब कॉपीज़ निकालें और मुझे अपनी कॉपीज़ बताएं, अच्छा, कि आप लोगों ने कॉपीज़ आप लोगों के पास है कि नहीं है, मैं अभी देखूंगी, ठीक है ना। ये देखें ये है हरूफ़ तहज्जी, सही, हरूफ़ तहज्जी। ठीक है, हरूफ़ तहज्जी मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगी, ठीक है। ये आप लोगों ने फिर करनी है, ठीक है ना, कॉपी पे। ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास में, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। जितना यहाँ हो सकता है हम यहाँ पर करेंगे और जितना जो है ना हो सका, ठीक है, तो वो फिर हम क्या करेंगे, वो फिर हम मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगी उसकी। अच्छा, पहला चैप्टर तो हमारा हो चुका है ना कुरान मजीद का, वो तो मैं आपको करवा चुकी हूँ, सही, उसकी पिक्चर भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, तो वो तो कंप्लीट था। आज हम करेंगे दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा था? दूसरा चैप्टर हमारा था फरिश्तों पर ईमान, ठीक है, फरिश्तों पर ईमान। ये देखें अगर आपका पेज रेडी नहीं है खाका के लिए तो वो आप लोग क्या करेंगे, वो आप लोग फिर जी जवेरिया मैं आपसे बात करती हूँ, अच्छा, ठीक है, पोस्ट करो। ये देखें अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन हमारा है अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है,
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सवाल जवाब, सवालात और जवाबात, ठीक है, सही। फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर वन है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया है, ठीक है, अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस चीज़, किस चीज़ से पैदा किया है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ आ गई है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया है। इसका आंसर है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, ठीक है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, ठीक है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, ठीक है, आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं आपको इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन सेंड करूंगी, अच्छा, ग्रुप में मैं आप लोगों को बाकी के क्वेश्चन आंसर जो है तो वो सेंड करूंगी, ठीक है, ये आप लोग अभी कर लो, अगर नहीं हो सका तो फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, ठीक है, ओके जी। हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है, कल इंशाल्लाह आपसे फिर इस क्लास में मुलाकात होगी और बात भी होगी, और फिर आप जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग मुझसे कर सकते हैं, ठीक है, कल हम और करेंगे काम, इसमें अगर कोई मसला हो तो फिर वो मुझे कल आप बता दीजिएगा, ठीक है, कि अल्लाह हाफिज़।